हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्लॉग। तो अभी हमारे यहाँ पे बन रही है करेले की सब्जी और मम्मी अभी चढ़ा कर गई है, तो लेट्स सी। करेले की सब्जी बन रही है, चावल वगैरह चढ़ा दिए। माँ चावल कह रही हूँ, प्याज वगैरह डाल दिए हमने। ओह बहुत गर्म है यार, सीरियसली। और ये बनी है, हमारे यहाँ पे सब्जी आती है सिंपल, जो हर जगह नहीं मिलती, सहारनपुर में मिलती है। तो इसमें क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन इसमें दाल है, अरहर की दाल है। चलो मिलते हैं बाद में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं पापा की थाली। ये मैंने बताया था ना, सुबह सब्जी बनाई थी, वो वाली है। ये रही थाली लग गई, इसमें दाल है, इसमें भी पड़ेगा अभी। ये पापा की वही मैंने बताया था ना, हेल्दी वाली रोटी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। तो मम्मी जो है उसकी तैयारी कर रही है, मर्जी करने लग जाती है, पहले देख तो लिया कर सामान। मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की, होलिका पूजन करने की। देखो और क्या पकौड़ियाँ रखी हुई मम्मी, पकौड़ियाँ बनी हुई हैं। ये मीठी पकौड़ियाँ होती हैं ना, मीठी पकौड़ियाँ होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। मन तो मेरा बहुत कर रहा है खाने का, लेकिन मैंने इसलिए नहीं खाई अभी क्योंकि पूजा नहीं हुई है। लग रही है हमारी होली की ताली कंप्लीट हो गई। अब हो गई ना कंप्लीट, जो लगाना था मम्मी ने लगा दिया है सब कुछ, बताशे पकौड़ियाँ गुजिया इन ऑल दैट। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये होली की थाली हमारी कंप्लीट हो गई है पूजा करने के लिए। होली का पूजन होता है ना इंडिया में, उसी चीज़ का। बताशे हैं, पकौड़ियाँ हैं, पानी है। और हम चलते हैं मम्मी के साथ होली की पूजा करने। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग मम्मी की थाली वगैरह लेके हम लोग बाहर है होली का पूजन के लिए ना, ऐसे लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं तो आपको वो तो ये पता नहीं होगा, लेकिन बाहर सड़क पे ये छोटी सी होली का यहाँ पर बनाई गई थी, रात को इसको जला देंगे। तो हम जब पहुँचे थे तो उससे पहले भी ऑलरेडी कुछ आंटीज़ वगैरह थी, वो उसमें कर ही रही थी। और यू नो इस तरीके का मतलब क्या होता है, वो एक रील लेके ना, दहाके की रील लेके उसे चारों तरफ घूमना होता है। और ये मम्मी ने अपनी होलिका की जो पूजन है वो पूरा स्टार्ट कर दिया। पहले पानी से कुछ कुछ किया उन्होंने, और मेरी सिस्टर है वो मेरे साथ खड़ी हुई थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी काफ़ी सारी। मैं तो कैमरा ही लेके खड़ी हुई थी, वही मेनली सब हेल्प वगैरह कर रही थी सारी की सारी। और वो आई भी है मेरे घर पे, मतलब कम से कम इस बार पहली बार वो इतनी छुट्टियाँ लेकर आई है। कमिश्नर है वो फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट बहुत फ़नी भी है। तो मम्मी ने पूजा पूरा स्टार्ट कर दी, पूरा कर ली, हो गई मम्मी की पूजा। अब जो है ना, अब मेरे ख्याल से वो स्टार्ट होगा, क्या बोलते हैं उसको, वही धागा वागा लेके जो करते। हाँ ये देखो हो गया ना, वो धागे वागे लेके ना मम्मी ने भी बोई किया, जैसे वो आंटीज़ कर रही थी रील लेके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा ऑलमोस्ट होली का पूजन जो था कंप्लीट हो गया है। और बहुत मस्त, मतलब ब्लॉगिंग के लिए तो आज मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो यार ब्लॉगिंग में आज कुछ मज़ा आएगा देखने के लिए, और ऐसा था, मतलब अच्छा लग रहा था। कभी कभी अच्छा लगता है ना, कुछ कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, तो वैसा ही था। एंड इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है आप लोगों के घर में भी होलिका दहन वगैरह तो होता ही है यार। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अभी बड़े वो कर रहे हैं कि ये होलिका दहन में लाइव औरत को जलाया जाता है। ये देखो हमारा ना कुरियर आ गया, मतलब मम्मी ने कुरियर ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा ये मम्मी जो है ना आगे से नहीं गुजरी, पीछे से, इसमें ऐसा होता। तो देखो अभी कुरियर आया था ना, तो ये कुरियर आया है, मेरी टी शर्ट है ना, मम्मी खोलो, देखते हैं कौन से कलर की है। वो सेम मंगवाई थी क्या? अब याद नहीं मुझे, मैंने तो कर ली थी। हाँ वाइट ही, आपने वाइट कलर की मंगवाई थी। मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क है, वाइट कलर अच्छी लगती है। देखो ये देखो भी आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही वाइट है। हाँ वाइट ही मिल। अरे इसमें कोई वो भी नहीं है, पैटर्न भी नहीं है। हाँ वाइट मिल। क्या होली के लिए मंगवाई है क्या? नहीं। वाइट इतनी। अरे होली की तो 100 रुपये आ रही है, और नाम भी लिखा के देखो। तो वो तो यूज होंगी ना, किसी ने बेची होगी ऐसे यूज होंगी वो। नहीं थोड़ा भी पैटर्न नहीं है, बताओ। मैं तो क्या, मैंने खुद ही जानबूझ के मंगाई, एक आधी तो ऐसी भी होनी चाहिए बिल्कुल प्लेन। देख वाइट कितनी अच्छी। अच्छा ये वैसी है। कैसी है ये? खुली खुली बैगी वाली। चलो सही है, फिर तो घर में पहन ही सकते हैं इसको, अच्छी ही लेगी बाहर तो। 8 डबल लाइन की है वैसे तो, ये रोड स्टार की है, बहुत बढ़िया वाली है टी शर्ट।
रोड स्टार कौन सी कंपनी है? तो आपने सुनी भी कंपनी है, उसी की तो रिपेंट भी है। लो मेरी बहन है, मम्मी के लिए खाना लेकर आई है। खाना भी इनका सारा ड्रामा करने का नंबर वन है। सुन सुन, एक रोटी रखिया और एक स्पून लिया। चल ठीक है, लिया स्पून ले आइयो। मम्मी जो है ना इतना कम खाना खाती है, इतना चिड़िया भी नहीं खाती होगी। हाँ चिड़िया, ये इतना सारा खाना है, डबल है। तो कौन सा आप सारा खाओगे? नहीं रोटी कम खाऊंगी। अब देख करेले भी इतने सारे, इतने थोड़े करेले खाए जाते हैं, करेले तो चार की तरह खाए जाते हैं। चलो जो भी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज बन रही है घर में दही की कढ़ी, इसको बोलते हैं मसरंगी। ये दही की कढ़ी है, ठीक है। खैर अभी मुझे देख के लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही डार्क लिपस्टिक लगा रखी है। अब ऐसा नहीं समझ में आता, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मरून कलर एकदम बहुत ही गंदा वाला ब्राइट निकल के आ रहा है। तो ठीक है, अभी मैं फिर शाम को देखते हैं कि खाना खाने बैठेंगे तो एक थोड़ा सा और ब्लॉग बनाऊंगी और उसके बाद हम एंड करेंगे। बाय।